हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है जिसमें हमने कितने क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, आज हम 121 से देखेंगे। इसमें हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। पहला है, फर्स्ट है, द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट डिस्क्राइब्स अ डिस्कशन बिटवीन एन अडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है जिसमें डिस्क्राइब्स है, किसमें एक अडल्ट पोएटिक स्पीकर है और एक लिटिल कॉटेज गर्ल है, दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है किसके बारे में, अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब अपने ही भाई बहन के नंबर्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में बात हो रही है, हु ड्वेल विद हर, जो उनके साथ रहते हैं। द पोएम टर्न्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू अकाउंट टू डेड सिबलिंग एज पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि टू डेड सिबलिंग की भी बात हो रही है, तो विच इज़ द पोएम, ये कौन सी पोएम है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, वी आर सेवन, ये इस पोएम की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सेज दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम ये कहती है कि दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स दैट प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज एंड दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन एविल एंड गुड। क्या कहती है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर विच कैन टीच, जो पढ़ा सकती है मोर अबाउट ह्यूमन एविल एंड गुड। तो वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोयम है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टेबल टर्न। ओके, इसी में तो कहा गया ना नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। नेक्स्ट, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज अ रोज इन जून। तो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में स्पीकर नरेट्स करता है, नाइट टाइम के बारे में बताता है, एंड द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड, जो उनकी बिलव्ड लूसी है, उनका कॉटेज है, हु ऑलवेज लुक्स एज, जो हमेशा दिखाई देती है फ्रेश एज अ रोज, जो हमेशा फ्रेश दिखती है, किसमें, जून के मंथ में, जून के महीने में, जो हमेशा गुलाब की तरह फ्रेश दिखती है। तो ऐसी कौन सी पोयम है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट हिज सिस्टर ऑफ लूसी पोएम्स ड्यूरिंग अ स्टे विद हिज सिस्टर ड्रोथी इन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमबर्ग जर्मनी बिटवीन अक्टूबर 1798 एंड अप्रैल 1801। नेक्स्ट, विच पोएम अमंग द लूसी पोएम्स डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी। कौन सी पोएम है जो लूसी पोएम नहीं है और डायरेक्टली लूसी को मेंशन किया गया है, तो कौन सी पोएम है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी पोएम है जो लूसी पोएम को मेंशन नहीं किया गया है, लूसी का नाम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द लूसी पोएम्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सबलाइम एपिटैप बाय एसटी कॉलरिज। तो कौन सी लूसी पोएम्स है जो डिस्क्राइब की है क्या, एज अ सबलाइम एपिटैप बाय एसटी कॉलरिज के द्वारा, तो कौन सी लूसी पोएम्स है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ओके, नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द फॉलोइंग ब्यूटीफुल लाइन्स। तो ये जो ब्यूटीफुल लाइन है वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है, कौन सी लाइन है, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस टॉशिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकन कंपनी। तो ये किस पोएम की लाइनें हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड की लाइन है।
जिसका सेकंड नेम क्या है, डेफोडिल्स। क्या है? डेफोडिल्स है। नेक्स्ट तो राइट आंसर यहाँ पे आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट व्हाट इज द अदर नेम फॉर द पोयम माय हार्ट लीप्स अप। माय हार्ट लीप्स अप की दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेनबो, द रेनबो। नेक्स्ट द लास्ट थ्री लाइन फ्रॉम विच पोएम आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रेनबो। नेक्स्ट द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज अ पॉपुलर लाइन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ आती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, ये लाइन कहाँ आती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रेनबो में आती है, जिसका सेकेंड नाम है माई हार्ट लीप्स अप। नेक्स्ट हु डिसलाइक वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ द फ्रेज नेचुरल पाइटी इन द पोयम द रेनबो। ही बिलीव दैट मैन वॉज नेचुरली इम्पायस। इम्पायस मीन्स क्या होता है, अपवित्र, इम्पायस, एंड देयर फोर वर्ड्सवर्थ फ्रेज कॉन्ट्रोडिक्टेड इटसेल्फ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रार्कन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइबिंग लंडन एंड द रिवर थेम्स वेव्ड फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज September 3, 1802। नेक्स्ट अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एच। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड्स रॉबर्ट सदी एंड शेमवल टेलर कॉलरिज बिकेम नोन एज लेक पोएट्स बिकॉज। वर्ड्सवर्थ हो गए, उनके फ्रेंड रॉबर्ट सदी हो गए, और शेमवल टेलर कॉलेज यानी कि ST कॉलेज, ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से, लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों जाने जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं, दे लिव्ड इन दिस एरिया, वह इस एरिया में रहते हैं। इट्स लैंडस्केप एंड पीपल इंस्पायर्ड दियर वर्क। ये जो इनके लैंडस्केप थे और लोग जो थे, जो पीपल थे, उनके वर्क से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। थर्ड है, द लैंडस्केप ऑफ द प्लेस बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दियर पोएट्री। तो ये तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अगर आपको पूछा जा रहा है कि लेक पोएट्स में कौन कौन से पोएट्स आते हैं, तो सबसे पहले आपके वर्ड्सवर्थ हैं, सेकेंड रॉबर्ट सदी, एंड थर्ड ST कॉलरिज, जिनका फुल नेम क्या है, शेमवल टेलर कॉलरिज। ओके नेक्स्ट विच नैरेटिव पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ रिटन इनिशियली इन 1807 to 1802। इट्स सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वाइट डो ऑफ रिलाइज स्टोन 1850। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ पोयम पीटर बेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है पीटर बेल, ये कब आई है, अप्रैल 1819 में पब्लिश हुआ है, और ये डेडिकेटेड किसको है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉबर्ट सदी को डेडिकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट विच पोएम प्रॉपर बिगिंस विद आ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हार्ड हार्टेड सिनर इम्परवियस टू द सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर हु मेक्स हिज लिविंग एज एन इंटरेंट हॉकर और पॉटर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटर बेल अ टेल इन वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक मिनट, हाँ, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ST कॉलरिज, विलियम ब्लैक, जीन जैक्स रूसो एंड इमैनुअल कांट। कौन है इसमें? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं। वर्ड्सवर्थ जो अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस है, किससे, ST कॉलरिज से, विलियम ब्लैक, जीन जैक्स रूसो और इमैनुअल कांट, इन चारों से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी है राइट आंसर।
Next, which works of Wordsworth exhibit the influence of William Godwin? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल एंड शोरो द बॉर्डर्स, ये दोनों से इन्फ्लुएंस हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ विच वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉर्बिड एंड मोनस्ट्रस एक्सट्रावेजेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बॉर्डर्स. नेक्स्ट, टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, मतलब वर्ड्सवर्थ लिखते हैं अपने किस दोस्त के लिए, किस फ्रेंड के लिए, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर जॉर्ज ब्यूमोंट, इनके लिए ही लिखते हैं. हु रोट इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, कौन अपनी प्रीफेस लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में लिखता है, क्या लिखते हैं, आई हैव सेड दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्वेलिटी, द इमोशन इज कॉन्टम्पलेटेड टिल बाय अ स्पीसीज ऑफ रिएक्शन दैट ट्रैंक्वेलिटी ग्रेजुअली डिसअपीयर्स एंड एन इमोशंस kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in this mind. तो ये किसने लिखा है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलियम वर्ड्सवर्थ. इन्होंने कहाँ ये लिखा था, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में, प्रीफेस कब आया था, 1800 में. नेक्स्ट, हु स्टेड हिज एम इन राइटिंग पोएट्री, to console the afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think and to feel and therefore to become more actively and securely virtuous. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. ये सारे कोट हैं, इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. Who opined means क्या होता है, मत या विचार. Who opined that the poet task is, किसका मत है, to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट, who has written, कौन लिखता है, पोएट्री एज आई एम रिकमेंडिंग इज एज फॉर एज इज पॉसिबल अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाई मैन. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस में ये कहते हैं, लिखते हैं. नेक्स्ट, हु राइट्स, कौन लिखते हैं, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन हु हैज अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ अ ह्यूमन नेचर एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस. ये सब कहाँ वो लिखे हैं, प्रीफेस में, ये सारे स्टेटमेंट. नेक्स्ट, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, किसने प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में लिखा है, पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिक ऑफ ऑल राइटिंग, इट इज सो, इट्स ऑब्जेक्ट इज ट्रूथ, नॉट इंडिविजुअल एंड लोकल बट जनरल एंड ऑपरेटिव, नॉट स्टैंडिंग अपॉन एक्सटर्नल टेस्टिमनी बट कैरिड अलाइव इन टू द हार्ट बाई पैशन ट्रूथ विच इज इट्स ओन टेस्टिमनी विच गिव्स स्ट्रेंथ एंड डिविनिटी टू द ट्राइब्यूनल टू विच इट appeals, it received them from the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. तो ये किसका है statement? तो right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? D. William Wordsworth. Next, who wrote in preface to lyrical ballads? Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is in the countenance of all science. Sorry, एक मिनट, एक सेकेंड.
जस्ट ऑफ एट. तो क्या कह रहा है 148 का क्वेश्चन है, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्प्रिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द इम्पैशन एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट, द कोर्ट्स देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड इन. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर आया था, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1800. नेक्स्ट 150 का है, हु राइट्स, कौन लिखता है, द नॉलेज बोथ ऑफ द पोएट एंड द मैन ऑफ साइंस इज प्लेजर बट द नॉलेज ऑफ द वन क्लीव्स टू अस एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस आवर नेचुरल एंड अनएलियनएबल इनहेरिटेंस द अदर इज अ पर्सनल एंड इंडिविजुअल एक्विजिशन स्लो टू कम टू अस एंड बाई नो हैबिचुअल एंड डायरेक्ट सिंपथी कनेक्टिंग अस विद आवर फिलो बींग्स. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. हु अपॉइंट दैट पोएट्री कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स लेड डाउन बाय द क्लासिसिस्ट, इट मस्ट फ्लो आउट नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियस फ्रॉम द सोल ऑफ द पोएट. तो राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, कितने स्टेज हैं पोएटिक कंपोजिशन में. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर. क्या हो जाएगा, फोर स्टेज हैं, स्टेजेज हैं. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेज आर पोएटिक क्रिएशन एज पर द थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सा स्टेज है यहाँ पे. पहला है स्टेज वन ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड है स्टेज टू रिकलेक्शन है, स्टेज थर्ड थ्री फिल्टरिंग, स्टेज फोर कंपोजिशन. तो ये चारों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, हु बिलीव दैट अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, अ पोएट्री ऑफ इंडिफरेंस टूवर्ड्स मॉरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ इंडिफरेंस टूवर्ड्स लाइफ. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे बिलीव था, विलियम वर्ड्सवर्थ को, इन्हीं का है ये स्टेटमेंट. फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्बाइनिंग पावर क्रिएटिव फैकल्टी. तो दोनों हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ ये भी है, एंड लाइफ ऑफ रूलर एंड रस्टिक पीपल ये भी है. तो आपका पूछा क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों हैं. नेक्स्ट, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ कंसिडर रस्टिक पीपल सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर. यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ क्यों कंसिडर करते हैं रस्टिक पीपल सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, अपनी पोएट्री के लिए. तो आंसर क्या है, बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, क्योंकि वे नेचर से क्लोज थे, रहते थे, हैं क्लोज हैं. बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही है. नेक्स्ट, वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज अ सुटेबल लैंग्वेज फॉर पोएट्री. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एंड कॉमन मैन ये भी है, लैंग्वेज ऑफ गॉड. एक मिनट, वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज अ सुटेबल लैंग्वेज फॉर पोएट्री. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही सही है, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, यही सही है. नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा, डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी. ये किसका स्टेटमेंट है, तो जॉन ड्राइडन का है. नेक्स्ट,
What according to Wordsworth is the prime function of the poetry? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू एनोबल टू रीडर. ओके 160 का ए. नेक्स्ट, हु रिमार्क द एंड ऑफ राइटिंग इज टू एनेबल द रीडर बेटर टू इंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट. ये किसका रिमार्क है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जॉनसन का. नेक्स्ट, हु सेड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एच एब्राम्स. नेक्स्ट, ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरियाट टू राइट नो ऑफिशियल पोएट्री. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 163 का वर्ड्सवर्थ. क्योंकि जब ये पोएट लॉरियाट बन चुके थे तो इन्होंने फिर कोई भी ऑफिशियल पोएट्री नहीं लिखी थी. नेक्स्ट, Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? क्यों कहा जाता है 1798 जो ईयर है उसको रोमांटिक मूवमेंट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश. क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुए थे. नेक्स्ट, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है. नेक्स्ट, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स. किस ईयर वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऐड किया था? तो 1800 में. यहाँ पे देखो सारा कुछ है. पहला एडिशन कब आया था? 1798 में. सेकेंड एडिशन कब आया था? 1800 में. एंड थर्ड आया था 1802 में. एंड फोर्थ आया था 1805 में. और जो लिरिकल जो प्रीफेस ऐड करना था वो किस में किया था उन्होंने? 1800 में. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, हु opines देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी essential डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अमोरल यूनिक. वर्ड्सवर्थ को कौन अमोरल यूनिक कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी बी शैली ने कहा था. नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री. तो किसने क्रिटिसाइज किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी एस एलियट. नेक्स्ट, 170 का, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1802 एडिशन. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचार्ड वेस्ट 1742. नेक्स्ट, द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड. द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन द ईयर. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1802. अमेरिका की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कब हुआ था? 1802 में हुआ था. नेक्स्ट, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट. तो ये जो लाइनें हैं ये किस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है वर्ड्सवर्थ के लिए? ये वर्ड्सवर्थ को बोले हैं और किस में लिखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द लॉस्ट लीडर. और उन्होंने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर भी कहा है. नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बर्न्स. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798. नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम. वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? जॉन किट्स ने कहा था. राइट आंसर क्या हो जाएगा? किट्स, जॉन किट्स. नेक्स्ट, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद कितने में आया था? 4 पोएम्स कॉलरिज की थी एंड 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी. लिरिकल बैलेट्स में यही था ना कि 4 पोएम्स कॉलरिज की थी एंड 90 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सबसे पहली पोएम लिरिकल बैलेट्स में किसकी थी और सबसे लास्ट पोएम कौन सी थी. ओके, नेक्स्ट जरूर बताइएगा, हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट,
हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ को कौन मानते हैं हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी क्वेंस. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वॉज एसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूसो. नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन पजेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सेंसिबिलिटी. ओके, तो ये थे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 60 क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आपने कितने सही किए हैं इसमें से. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.